हसनपुर में सीवर की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति की मौत पब्लिक हेल्थ विभाग की लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि विभाग ने सीवर में उतरने के लिए कोई सेफ्टी किट नहीं दी। पुलिस ने मामले में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल हसनपुर के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी भारत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पुत्र राजेश पब्लिक हेल्थ विभाग में सीवर सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था, जो ठेकेदार के अधीन काम करता था। बीते दिन वह अपने अन्य कर्मचारियों महेंद्र व होशियार के साथ काम कर रहा था। पब्लिक हेल्थ एसडीओ राजबीर के आदेश अनुसार सीवर लाइन की सफाई के लिए वे गए हुए थे। उसने एसडीओ से सीवर में उतरने के लिए सेफ्टी किट मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई सेफ्टी किट नहीं दी गई और सफाई के लिए वह सीवर में उतर गया। सीवर के अंदर जहरीली गैस होने के कारण उसका दम घुटने लगा, तो उसके साथियों ने उसे बाहर निकाल लिया। जहरीली गैस से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इस बारे में मृतक की पत्नी की तरफ से भी एक अलग से शिकायत दी गई है, जिसमें कहा गया कि उसका पति पब्लिक हेल्थ विभाग में काम करता था, जिसे विभाग के अधिकारियों द्वारा सीवर में जबरन बिना सेफ्टी के काम करवाया जाता था, जिस कारण उसके दम घुटने से मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने अस्पताल में एक मीटिंग भी की और मृतक के बेटे को नौकरी, 50 लाख आर्थिक सहायता सहित अन्य सहायता की मांग की। वहीं थाना हसनपुर प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, अपने सफाई कर्मचारी हसनपुर में उसके लिए अपने सफाई के लिए गए तो उनमें वो कदरी हमें इससे पहले सेफ्टी उपकरण होते हैं अस्टी साहब से कहे थे वो गलत भरा हो, बोले जी हाँ नहीं आपने करना पड़ेगा, वो कह रहे हमें ज़बरदस्ती उसमें घुसा दिया। तो उसमें अंदर वो 3 आदमी थे, तो एक आदमी अंदर गया तो उसमें नीचे जो गैस थी उसकी वजह से उसकी मतलब हालत ख़राब होगी, बाहर निकाला तो उसको बेहोश हो गया। उसके बाद हम अस्पताल में ले गए तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हमें सूचना मिली तो हमने वो डेड बॉडी को यहाँ अस्पताल पलवल में रखा दिया। उस पर मुकदमा दर्ज करके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में आए, पोस्टमार्टम की वेट कर रहे हैं। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें फिलहाल 306 का किया है। कितने लोगों के खिलाफ किया? 38 साहब खिलाफ फिलहाल, तो बाकी ये भाई जेई और ठेकेदार का भी इसमें हाथ है, तो आगे जो आएगा उसमें आगे कार्रवाई करेंगे।